देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडिया और अब हम बात करेंगे नए प्रॉपर्टी बाजार की, बैंगलोर शहर की, जहां पर प्रॉपर्टी मार्केट हालांकि पहले से काफी फल फूल रहा है, लेकिन हमारी कोशिश यहां के रियल्टी मार्केट की सही तस्वीर आपको दिखाने की होती है, यहां के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में बताने की होती है और यहां कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स मानते हैं निवेश के लिए ये उम्दा है। बेंगलुरु में आपके निवेश की इस उलझन को आसान करने के लिए हम लाए हैं क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स। तो चलिए आज बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के डायरेक्टर अनुराग झावर। अनुराग, स्वागत है आपका हमारे शो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुराग, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि बेंगलुरु काफी जाना माना शहर है, काफी सारे लोग इसके बारे में जानते ही हैं, लेकिन अगर आपकी तरफ से जानना चाहें क्रिसिल इस शहर को किस तरह से रेट करता है, इसके बारे में क्या कहता है, तो आप क्या कहेंगे? जी, बेंगलोर शहर जो है एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर में इंडिया का एक शहर है जो जाना जाता है और दो डिकेड से हमने इसमें काफ़ी ग्रोथ देखी है और इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है जो ITITS जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है शहर के अंदर में। ITITS के अंदर में ये इंडिया के अंदर में जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, जितने भी एक्सपेंशंस होते हैं, 1/3 से ज़्यादा जो है बेंगलोर शहर से होते हैं। यहाँ पर 2700 से ज़्यादा जो है ITITS कंपनीज़ हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ भी हैं। तो ये जो है अगर आप देखें ओवरऑल दो डिकेड में कम से कम नहीं तो 1 मिलियन पॉपुलेशन जनरेट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है इस सेक्टर के थ्रू केवल, और ईयरली 75,000 से 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है केवल इस सेक्टर में। तो एक बहुत बड़ी खूबी है इस सेक्टर में पूरे इंडिया लेवल में जो ITITS की ग्रोथ स्टोरी है, बेंगलोर ने उसको जो है फ्रंट से लीड किया है। उसके अलावा अगर आप इस शहर के कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की बात करें, काफ़ी अच्छे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में बोल लीजिए आप, इंजीनियरिंग के अंदर में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, काफ़ी जो है वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। सो पुट टुगेदर एक काफ़ी अच्छा शहर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि होना चाहिए किसी भी शहर में रियल इस्टेट को सपोर्ट करने के लिए। सूरत शहर है और जिस तेज़ी से यहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर डिमांड भी काफ़ी रहती है प्रोजेक्ट्स की, लेकिन हम आने वाले समय की बात करें तो इस शहर को बेहतर बनाने के लिए और यहाँ हाउसिंग के नज़रिए से आप क्या देखते हैं कि जो आने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, क्या कुछ यहाँ एड ऑन होने वाला है जिसकी वजह से ये और आकर्षक होगा? जी, बेंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर में फोकस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से शहर में ये इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जो पेस है वो साथ में मिल नहीं पाई है, उसकी वजह से हमने देखा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था पूरे शहर में ओवरऑल। सो अगर हम देखें काफ़ी पॉकेट्स हैं एक्सीलेंस के पूरे शहर में, साउथ से साउथ बेंगलोर में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी हुजूर एरिया है वहाँ पर एक अच्छा खासा आईटी पॉकेट है। फिर अगर आप आउटर रिंग रोड से पूरा व्हाइटफील्ड की तरफ जाएं तो पूरे स्ट्रेच में जो आईटी डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो ये जो स्ट्रेच है यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है और इसको जो फैसिलिटेट किया था एक आउटर रिंग रोड ने किया था। लेकिन जो जिस तरह से तेज़ी से जो शहर एक्सपेंड किया और आईटी कंपनीज ने एक्सपेंड किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंस्ट्रेंट था। अब जो है धीरे धीरे सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है क्योंकि सरकार जो है पूरा आउटर रिंग रोड को सिग्नल फ्री बनाना चाहती है। मेट्रो जो है जिसपे एक ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, फेज़ वन में कुछ पोर्शन ऑलरेडी ऑपरेशनल है और धीरे धीरे फेज़ टू में इसको और एक्सपेंड किया जाएगा। प्लान्स हैं हाई स्पीड मेट्रो लिंक के जो कि पूरा एयरपोर्ट तक लेके जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी। मोनोरेल के बारे में बातें हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग पेरिफेरल रिंग रोड की बात चल रही है जिसमें नाइस जो कॉरिडोर जो रोड है एक्सप्रेसवे जो कि हुजूर से टुमकुर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको फेज़ वन डिक्लेयर किया गया है और पूरा जो है सर्कल बना करके पेरिफेरल रिंग रोड के बारे में काम चल रहा है। सो अगर हम देखें इन सब चीज़ों को पुट टुगेदर तो एक होलिस्टिक प्लान है जिसमें कि थ्रू मेट्रो साउथ वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ एज वेल एज ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी होगी। मोनोरेल जो है फीडर की तरह काम करेगी मेट्रो के लिए और उसके अलावा एक्सप्रेसवेज जो भी हैं आउटर रिंग रोड को सिग्नल फ्री बनाने से, तो
ये जितने भी पॉकेट्स हैं आपके डिफरेंट जो नेशनल हाईवे जो कट करते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, आईटी के डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर तरफ से फैसिलिटेशन होगा, फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट को। अगर यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट्स की बात करें तो कौन से इलाके ऐसे हैं जो ट्रेडिशनली यहाँ के टॉप प्रॉपर्टी मार्केट्स रहे हैं, जहाँ लोग पैसा लगाते रहे हैं और जहाँ ज़्यादा मांग रही है और जो अच्छी प्राइस भी डिमांड करते हैं, तो कौन से हैं वो मार्केट? सो सेंट्रल बेंगलोर जो हमेशा डिमांड में रहा है, चाहे वो आप एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, लेवल रोड, कॉक्स टाउन, अलसूर लेक के अगल बगल के जो एरियाज़ हैं, कोरमंगला, इंदिरा नगर, ये सब एरिया हमेशा से डिमांड में रहे हैं, और यहाँ पर सप्लाई जो है अब लिमिटेड हो गई है। जो ऑल्टरनेट पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस जो हुए थे, एक आपका जो साउथ बेंगलोर में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी और हुजूर एरिया है, वहाँ पर जब इन्फोसिस और अदर कैंपसेस आए थे, उसकी वजह से जो नियर बाई एरियाज़ थे जैसे कि जयनगर, जेपी नगर, कनकपुरा रोड, इन सब जगह में भी डिमांड बढ़ी थी। उसके बाद जो ग्रोथ है, लेकिन हमने देखा है ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया था, जो कि वाइट फील्ड जो एरिया था, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा आईटी कंपनीज आई, आईटीपीएल आई थी, उसके अलावा और भी काफ़ी आईटी पार्क्स वहाँ पर जो लॉन्च हुए थे, इससे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। और ये जो पॉकेट्स हैं राइट फ्रॉम साउथ से ईस्ट तक का, वो हमने देखा है वहाँ पर काफ़ी डिमांड रही है और अभी भी है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी यहाँ पर अभी भी सप्लाई भी आ रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। लेकिन अब जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया 2008 से, धीरे धीरे जो ग्रोथ है आउटर रिंग रोड की तरफ से नॉर्थ बेंगलोर की तरफ भी जा रही है। जी, जो लोग कम बजट में पैसा लगाना चाहते हैं या अभी निवेश करके आगे फायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए कौन से इलाके सही रहेंगे आपके मुताबिक अनुराग, जो कि आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स देंगे? जी, वैसे काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी कितना जल्दी हर जगह आ जाती है, लेकिन अगर हम प्लान्स को मद्देनज़र रखते हैं तो अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अनेकल एरिया है जो कि फर्दर डाउन है हुजूर रोड पे, वहाँ पर कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कनकपुरा बनेरगट्टा साइड में भी जो थोड़ा आगे जा करके अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। नॉर्थ बेंगलोर में जो बाइलेंस वगैरह जो भी खुल रही हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जैसे टुमकुर की तरफ हम लोग बात कर लें या फिर डोडबल्लापुर की तरफ बात कर लें, इन सब जगह में भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो भी आईटी कॉरिडोर्स हैं उसके अगल बगल जो डेवलपमेंट है, जैसे कि ओल्ड मद्रास रोड हो गया, वहाँ पर जो है अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है, या फिर थोड़ा सा शहर की तरफ बाहर जहाँ पर कि कनेक्टिविटी अच्छी है। जी, तो चलिए अब ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आपने रेट किया है। जी, तो जैसे मैं साउथ और साउथ ईस्ट के बारे में बात कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है मैं वहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है आर्क क्लाउड सिटी। ये आर्क इंफ्रा डेवलपर्स की तरफ से है, प्रोजेक्ट व्हाइटफील्ड में लोकेटेड है। ओवरऑल एक मीडियम से स्केल का प्रोजेक्ट है, 2.2 लाख स्क्वायर फीट का, जिसमें कि जो टारगेट सेगमेंट है ये मिड सेगमेंट का है, यूनिट्स जो कि 6.3 मिलियन से करीबन 10.4 मिलियन के बीच में अवेलेबल है। नेसेंट स्टेज में प्रोजेक्ट है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन 8% हुआ है और सेल ओवरऑल 10% हुई है। प्राइस की अगर हम बात करें तो करेंटली ये जो प्राइस है 4200 पे कोट कर रहे हैं और डिलीवरी टाइमलाइन मार्च 2016 का है इसका। इनको हमने सारे पैमाने पे जो है परख करके बेंगलोर 5 स्टार की रेटिंग दी है। जो सेकेंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो अनेकल साइड में है, ये अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम कम्यून है, ये कम्यून प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। ये जो प्रोजेक्ट है 4.3 लाख स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है, ओवरऑल 384 यूनिट्स इसके अंदर में जो है प्लान की गई है। 20 लाख से लेकर के 41 लाख के बीच में जो है यूनिट्स अवेलेबल है यहाँ पर, और ओवरऑल 20% कंस्ट्रक्ट हो चुका है और 54% ऑलरेडी सोल्ड हो चुका है। इसमें डिलीवरी जो है एक्सपेक्टेड जून 2015 की। इसको जो है हमने परख करके बेंगलोर 5 स्टार की रेटिंग दी है। लास्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, व्हाइटफील्ड एरिया में सिचुएटेड है, ये एसकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। इस प्रोजेक्ट का नाम ट्राइफेक्टा एस्प्लांडे है।
ये जो प्रोजेक्ट है सेलेबल एरिया 5.5 लाख स्क्वायर फीट है, थ्री ब्लॉक्स थ्री फेजेस में हो रहा है, फेज वन फेज टू फेज थ्री, और 426 यूनिट्स 2 BHK और 3 BHK के बीच में अवेलेबल है। एक मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 3.3 मिलियन से लेकर के 6.8 मिलियन के बीच में अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन इसके एडवांस स्टेजेस पे हैं जो कि फेज़ वन अराउंड 85%, फेज़ टू 66% और फेज़ थ्री 43% ऑलरेडी हो चुका है, और इन टर्म्स ऑफ सेल ओवरऑल 63% ऑलरेडी सेल हो चुकी है। इसका पोजीशन जो है 2014 से 2015 के बीच में स्टैगर्ड है। इस प्रोजेक्ट को जो है हमने बैंगलोर 4 स्टार की रेटिंग दी है। अनुराग बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए और बैंगलुरु के रियल्टी मार्केट के बारे में इतनी सारी जानकारियां तफसील से देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को बैंगलुरु के मार्केट के बारे में, यहाँ के ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में और आने वाले वक्त में यहाँ क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अभी कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद ये हम आपको बताएंगे कि कैसे होंगे सस्ते मकान दिलाने के जो वादे हैं सरकार के वो पूरे, और साथ ही क्या महज फंडिंग से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हो जाएगा रास्ता आसान।